Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. भारत में विश्व में अपनी सांस्कृतिक और सभ्यता के कारण प्रसिद्ध है। इस कारण विदेशों में भारतीयों को बहुत ही सम्मान की नज़र से देखा जाता है। इस प्रकार भारतीय हिंदू सभ्यता है, हिंदुओं के धार्मिकता का एक नज़र विदेशों में भी देखा जा सकता है, जहां विदेशों में अनेक अनेक भारतीय देवी देवताओं के मंदिर हैं, बैंकॉक, श्रीलंका, पाकिस्तान आदि में तो हिंदू मंदिर हैं ही। अमेरिका, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड सहित अधिकतर देशों में हिंदू देवी देवताओं के पूरे सम्मान के साथ पूजा जाता है, और मंदिरों में तो भारतीय भक्त कम, विदेशी ज़्यादा आते हैं। तो आइए आज हम आपको कुछ विदेशों के बारे में, भारतीय मंदिरों के बारे में बताते हैं। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया। अंकोर वाट दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारकों में से गिना जाता है। इसका निर्माण लगभग 12वीं सदी में खमेर के राजा सूर्यवर्णम द्वितीय ने करवाया था। श्री सुब्रमण्यम देवस्थान मलेशिया बातो गुफा कुआलालंपुर के उत्तर में लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित। 1890 में लाल कृष्ण पिल्लई ने इस गुफा के बाहर भगवान मुरुगन की प्रतिमा स्थापना की। गुफा के द्वार पर खड़ी भगवान मुरुगन की यह प्रतिमा दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा मानी जाती है। मुरुगन मंदिर में ऑस्ट्रेलिया भगवान मुरुगन का मंदिर सिडनी के न्यू साउथ वेल्स के पहाड़ों पर भी है। सिडनी में मुरुगन भगवान के मंदिर का निर्माण यहाँ रह रहे तमिल व्यक्तियों ने करवाया था। इस मंदिर की देखभाल शैव मनराम नाम की हिंदू सोसाइटी करती है। अफ्रीकी हिंदू मठ घाना। अफ्रीकी हिंदू मठ की स्थापना घनानंद सरस्वती ने की थी। ये हिंदू मठ है, फिर भी यहाँ बहुत ही कम भक्त हिंदू हैं। इस मंदिर में अफ्रीकी भक्त सख्त इसे धार्मिक नियमों और हिंदू रीति रिवाजों का पालन करते हैं। यहाँ हमेशा पूजा की जाती है। श्री वेंकटेश्वर बालाजी मंदिर इंग्लैंड। श्री वेंकटेश्वर बालाजी मंदिर यूरोप में भगवान वेंकटेश्वर का पहला मंदिर था। इस मंदिर का उद्घाटन 23 अगस्त 2006 में किया गया था। भगवान विष्णु की मूर्ति जो यहाँ लगी हुई है वो लगभग 12 फीट ऊंची है। श्री स्वामी नारायण मंदिर लंदन। इस मंदिर का उद्घाटन 1995 में किया गया था। इस मंदिर के निर्माण और देखभाल की बोछान स्वासी अक्षर पुरुषोत्तम संस्था करती रहती है। मंदिर के निर्माण में जिन पत्थरों का प्रयोग हुआ है वो पहले कभी भी किसी हिंदू मंदिर के निर्माण में प्रयोग नहीं हुए थे। राम राधो धाम मंदिर अमेरिका। ये भारत मंदिर भारत के बाहर स्थित सबसे विशाल हिंदू मंदिरों में गिना जाता है। ये लगभग 33,000 वर्ग फीट के क्षेत्र में बना हुआ है। इस मंदिर की स्थापना स्वामी प्रकाशानंद ने 1990 में की थी। इस मंदिर के गुंबदों की ऊंचाई लगभग 90 फीट है। श्री स्वामी नारायण मंदिर अमेरिका। ये भारत के बाहर स्थित हिंदू मंदिरों में सबसे विशाल मंदिरों में से एक है। इस मंदिर के कुछ स्तंभ लगभग 75 फीट ऊंचे हैं। मंदिर का निर्माण पारंपरिक रूप से नक्काशीदार पत्थर से किया गया है। पशुपति नाथ मंदिर नेपाल। इस मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में करवाया गया था। बाद में 12वीं और 17वीं सदी में पुनः निर्माण किया गया था। मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव की लगभग 1 मीटर ऊंची 4 मुंह वाली प्रतिमा सुशोभित है। यह काठमांडू का सबसे पुराना हिंदू मंदिर है। तनहलूट मंदिर बाली। भगवान विष्णु को समर्पित यह मंदिर इंडोनेशिया के बाली में एक विशाल समुद्री चट्टान पर बना हुआ है। अपने प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध यह मंदिर 16वीं शताब्दी में निर्मित हुई थी। ये मंदिर अपनी खूबसूरती के कारण इंडोनेशिया के मुख्य आकर्षणों में से एक माना जाता है। प्रभानंद मंदिर जावा। जावा के माध्यम में बना प्रभानंद मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा और विशाल हिंदू मंदिर है। ये मंदिर मुख्य रूप से भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा को समर्पित है। ये मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। दुनिया भर के पर्यटकों के लिए प्रभानंद मंदिर आकर्षण का केंद्र रहता है। इस मंदिर में मातृदेवों के साथ उनके वाहनों के भी मंदिर बने हुए हैं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.